is so, so cute. I have no words. Hello everyone, this is Ishita Arora. Welcome or welcome back to my channel. तो आज मैं मम्मी के साथ DIY गई थी काफ़ी टाइम बाद. एक्चुअली मम्मी वहाँ मेरे होम टाउन में रहती हैं ऑब्वियसली, तो अभी यहाँ पर आई हुई थी तो मुझे उन्हें कब से DIY लेके जाना था, बिकॉज आई जस्ट न्यू उनको DIY बहुत पसंद आएगा. तो मैं कमला नगर वाले DIY गई थी एंड मैं पूरा हॉल देने वाली हूँ कि मैं क्या क्या सारी चीज़ें लेके आई हूँ. और मैंने सारी क्लिप्स ले ली थी कि किस किस टाइप की चीज़ें वहाँ पर हैं, क्या क्या आपको मिल सकता है एंड एवरीथिंग. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो पहली चीज़ जो मैंने ली वो एक रिट्रैक्टेबल लीश है, क्योंकि मेरे पास एक डॉग है पॉम मीडियम साइज़ का. तो उसके लिए मैंने एक स्मॉल लीश ली विच वाज फॉर 770, बट उस पर डिस्काउंट था तो वो मुझे 550 की मिली. एंड इसकी क्वालिटी, दिस इज़ लाइक रियली स्टर्डी. एंड अमेजोन और काफ़ी जगहों पर ना ये अराउंड, आई थिंक खुल क्यों नहीं रही है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया इसको यूज़ कैसे करते हैं. यस, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऐसी जगहों पे काफ़ी महंगी मिलती है. मुझे जब ये दिखी 550 की, आई वाज लाइक इसको तो ले लो, तो मैंने इसको ले लिया. मुझे याद भी नहीं है क्या क्या लिया. सोप सक्शन, ये दिस लिटिल थिंग, ये 29 रुपीस का. दूसरी चीज़ वॉल स्टिक. वाई डिडंट आई नो कि DIY पर वॉल स्टिकर्स भी मिलते हैं. ये इतना बड़ा पीस, आई थिंक ये मम्मी ये कितने का था? 230 समथिंग शायद. 230 का ये इतना बड़ा वॉल स्टिकर. एंड मैंने किसी की वीडियो देखी थी, थैंक्स टू दैट पर्सन जिसने मुझे दिखाया कि DIY पे ये वॉल स्टिकर मिलते हैं, तो ये मुझे मिला वहाँ से. एंड मैं जो सारी मैंने वीडियोस ली है ना DIY की, जो मैं दिखाऊंगी वहाँ पे भी मैं दिखाऊंगी कितना प्यारा सेक्शन था वहाँ पर इस चीज़ का. मतलब ऐसा सच नहीं कि देख के प्यारा लग रहा है, बट बहुत बहुत प्यारे प्यारे वॉल स्टिकर्स थे. एंड ये बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही ह्यूज. मैं दिखाती हूँ, तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना बड़ा है. दूसरी चीज दी चॉपस्टिक्स, मैंने एक बार Daiso से ली थी 75 का. देख 75 के दो पेयर थे एंड ये अराउंड 100 की 5 पेयर्स हैं. एंड इनकी ना ये जो ऐसी शेप है, इनकी स्क्वायर सी जो शेप है उससे ग्रिप अच्छी बनती है, गोल वाली से इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती. तो मुझे ऐसी वाली पसंद है, इसलिए मैंने इनका पैक लिया. एप्रन, ये बहुत ही क्यूट सा एक एप्रन, 220 का ये एप्रन है. मैं ये पहन के दिखाती हूँ. ये यहाँ से थोड़ा बड़ा है, इसको मुझे ऐसे स्टिच कराना पड़ेगा. मम्मी स्टिच करके देगी. ये वहाँ पर काफ़ी सारे एप्रन्स थे, बट ये डार्क कलर का था एंड ये कपड़े का नहीं है. आई थिंक थोड़े कॉटन के कपड़े के भी थे वहाँ पर, ये आई थिंक कॉटन तो नहीं है. तो अगर कुछ गीला होता है तो इससे मेरे कपड़े भी गीले नहीं होंगे, क्योंकि मैं कुकिंग काफ़ी करती हूँ, मैं खुद ही कुक करती हूँ. सो दिस वाज अ मच नीडेड थिंग फॉर मी. और जो मैं दूसरी चीज़ दिखाने वाली हूँ, आई डोंट थिंक एनीवन इज़ रेडी फॉर दैट लुक. दिस इज सो सो क्यूट. मैंने ना सवैना पे देखा था एक पिंक पफर टोट बैग, और मुझे टोट्स नहीं पसंद. आई एम नॉट अ टोट गर्ली.
लिसन टू मी, जब मैं मेट्रो में अपनी दीदी के साथ गई थी तो मैंने एक लड़की का टोट बैग देखा, पफर जैकेट्स नहीं होते जैसे, उसी टाइप का एकदम पफर मटेरियल का टोट था, एंड दिस इज सो क्यूट, और वो ऑलिव ग्रीन कलर का था, और मुझे लगा कि ग्रीन तो नहीं मैं इसमें ब्लैक या पिंक या वाइट जरूर लूंगी। मैंने बहुत दिन उसको छाना ऑनलाइन और मुझे वो सेम ऑलिव कलर का मिल गया, और जब मैंने देखा तो मुझे समझ आया कि इसने ऑलिव क्यों लिया है, क्योंकि ब्लैक उसमें हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, दूसरा एक मरूनिश कलर था जो कि बहुत ही बेकार था, तो फिर मैंने भी माइंड सेट कर लिया कि हाँ ठीक है ऑलिव ही ले लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि वो मेरे आउटफिट्स के साथ ही मेरी वाइफ के साथ मैच नहीं करेगा, बट उसके अंदर कंपार्टमेंट्स थे बॉटल के लिए, पेन्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, एंड मैं आईपैड ही लेके जाती हूँ अपना कॉलेज, तो सिर्फ इतना जो बड़ा मेरा बैग है, और मैं सैनिटाइजर, हैंड सोप और टिश्यूज, परफ्यूम पैड्स, ये सब चीज़ अपने पास रखती हूँ, तो बहुत बल्कि होने लगता है नीचे से बैग, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो चीज़। पर मैंने सवाना पे देखा एक पिंक कलर का पफर टोट जो कि 2000 रुपये का, और वो भी अभी तक मैंने लिया नहीं। देन मुझे एक छोटी सी चीज़ दिखी, दिस इज़ नॉट अ टोट, आई डोंट कंसिडर इट एज अ टोट, मैं इसे, ये कैनवस बैग है, यस सी कॉटन पॉलिस्टर कैनवस, मैं इसे अपना शोल्डर बैग बोलूँगी, इसमें मेरा आईपैड भी आ जाता है, आईपैड से मैं शूट कर रही हूँ वरना मैं रख के दिखाती, इसमें एक छोटी सी बॉटल भी आ जाएगी, इसमें मेरा परफ्यूम, हैंड क्रीम, टिशू, सैनिटाइजर सब आ जाएगा। दिस इज़ सुपर क्यूट, अब मैं कल को मुझे कॉलेज जाना है और मैं यही पहन के इसी को लेके जाऊंगी, आई नो एवरीवन विल बी लाइक ओह माय गॉड ये कहाँ से लिया, फिर मैं बता दूंगी क्योंकि आई डोंट गेट कीप। बाय द वे ये था, इसका तो टैग भी इतना प्यारा है, ये था 234 रुपीज़, नो डिस्काउंट, सो क्यूट। दूसरी चीज़ जो मैंने ली वॉज दिस ब्रश, ये मम्मी ने लिया है, ये कितने का है, ये 78 रुपीज़ का है, हाँ ये बेडशीट के लिए मैंने लिया कि इससे बेडशीट क्लीन हो जाएगी इजीली, क्योंकि यहाँ पे तो इतना एक एक अकेला बंदा कितनी गंदगी में चलेगा, तो ये इट वॉज लाइक सही है, लाइक DIY जा रहे हो तो अपनी मम्मियों को लेके जाओ यार, उनको भी घुमाओ, क्या मज़ा आता है वहाँ पर। उसके बाद एक बहुत ही अनएस्थेटिक सी चीज़ दिखा देती हूँ, ये आई एम प्रीटी श्योर सबको पता ही क्या है, एंड जब इसका कोई स्टैंड नहीं होता ना, आई फील लाइक ये स्टैंड बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वरना वो बहुत ही उसको कहाँ रखूँ, एक मचती है, एंड दिस इज़ जस्ट फॉर रुपीज़, इस पर 170 लिखा है बट ये 170 का है नहीं, ये 99 का पड़ा है, यस मॉडर्न ब्रश, यस वेरी मॉडर्न, तो ये 99 का है। मैं जब ये मैंने बोला ना मम्मी से कि सारे सामान मेरे आसपास रख दो, मम्मी ने कहा ये टॉयलेट ब्रश भी दिखाई, मैंने कहा यस मैं सब कुछ दिखाऊंगी, जो कुछ लाई हूँ मैं सब दिखाने वाली हूँ, यस DIY की जो आज मैंने लास्ट चीज़ खरीदी, एक और चीज़ है वो मैंने अभी नहीं खरीदी पर मैं दिखा देती हूँ क्योंकि वो DIY की ही है और आप लोग वो ले सकते हो क्योंकि इट्स लाइक अ वेरी नेसेसरी थिंग फॉर गर्ल, तो ये दो स्टेशनरी सेट्स लिए मम्मा ने, मेरे दो छोटे छोटे कज़न ट्विंस हैं उनके लिए, अ बॉय एंड अ गर्ल, सो ये 70 रुपीज़ का है एक, एंड इसमें एक छोटी सी क्यूट डायरी है, दो पेंसिल्स हैं, क्यूट शार्पनर है, इरेजर है, एंड एक स्केल है, अगर मैं बच्ची होती तो मैं तो इसको लेके बहुत खुश हो जाती। आईपैड के बाद से मैंने इन चीज़ों में ज़रा थोड़ा कम कर दिया अपना इन्वेस्टमेंट, तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करा और अपने लिए नहीं लिया। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर थिंग इज़ अ पैडल ब्रश, तो ये जो पैडल ब्रश है आई होप इसमें कुछ दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, वे गुड टू गो, ये आई थिंक 179 का मैंने लिया था, एंड इसकी क्वालिटी इज सो 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 गुड, पैडल ब्रश जो होते हैं यूजुअली काफ़ी एक्सपेंसिव से होते हैं, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसका कलर भी अच्छा है, ये दिखने में भी अच्छा है, एंड काम भी अच्छे से करते हैं, तो आई वाज लाइक ये इसको ले लेते हैं। कमला नगर गई थी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मैंने बाहर से भी शॉप करा, एंड आई गॉट दिस सुपर क्यूट शर्ट, इट इज़ सो प्रिटी, ये प्रिंट इज़ लाइक विक्टोरिया सीक्रेट का जो सीक्रेट विक्टोरिया सीक्रेट का जो लाइक मेन प्रिंट है ना, मेन क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, बट उनका नाइट सूट जैसा होता है ना, एक पिंक कलर का बहुत ही पॉपुलर नाइट सूट है, एकदम वैसा सेम डिट्टो प्रिंट है ये, और इतना सटल, इतना प्यारा पिंक, आई फेल इन लव विद इट, ये 250 की मिली है मुझे, आई वॉज लाइक इसको तो मैं नहीं छोड़ सकती, आई थिंक ये मैं कल पहनने वाली हूँ, आई डोंट नो, या फिर मैं किसी स्पेशल ओकेजन का वेट करूँ।
आई थिंक आई एम गोना वेयर इट टुमारो. तो ये ली मैंने. फिर मम्मी ने अपनी मेरी मासी के लिए, अपनी बहन के लिए एक ये क्यूट सा कड़ा लिया वहाँ से. हाँ मैंने वहाँ ये सारी बाहर से मैंने शॉपिंग करी है, बाहर से जो होता है ये लिए. लुक एट दिस, ये कितने क्यूट है. इवन दो मैं बहुत छोटे छोटे इयररिंग्स, वैसे तो मैं इयररिंग्स पहनना पसंद ही नहीं करती, बट लाइक अगर कुछ ऐसे ट्रेडिशनल पहना है तब मैं छोटे छोटे झुमके पहनती हूँ. और अभी मे बी लाइक किसी की शादी है तो कुछ तो मैं पिंक पहनूंगी, तो उसके लिए मैंने ले लिए. इवन दो आई डोंट थिंक सो इस टाइप का पिंक मैं पहनने वाली हूँ, बट इसको तो मैं नहीं छोड़ सकती थी. ये बहुत ही प्यारे हैं एंड जस्ट फॉर 40 rupees. आई हैव नो वर्ड्स. और वहीं से बाहर से जो मैंने पेन है ना, मैं लगा के नहीं गई थी, मैंने प्लेन बेसिक पिंस लगाई थी. बट वहाँ पर मैं ना वो जो नो क्रीज वाली पिंस होती है ना, मैंने अपनी शायद पहले भी एक दो वीडियो जो डाली है उसमें मैंने शायद लगाई होगी, तो मैं वो लगाती थी. बट दीज आर आई फील लाइक मोर अप्रोप्रिएट बाहर जाने के लिए, तो मैंने इसका पैक लिया. इसमें ये सारे कलर्स नहीं थे, ये और थोड़े से डल कलर्स थे. उन्होंने मुझे ये वो सो स्वीट, उन्होंने मुझे वो मैच करने दिया कि मैं उससे लेके इस वाले पैकेट में डालूँ जो भी कलर मुझे चाहिए. दैट वॉज सो स्वीट ऑफ हिम. तो मैंने ये वाला पिंक लिया, मैंने ये वाला पिंक लिया, मैंने ये ब्लू लिया, मैंने ये वाइन लिया एंड मैंने ये ब्राउन लिया. इसमें से दो पेयर मैं अपनी दीदी को दे दूँगी, इतनी तो मैं अच्छी हूँ ही. उसके बाद हाँ मम्मा ने अपने लिए क्यूट से बो वाले इयररिंग्स लिए. उन्होंने अपने लिए इतना वो मेरे साथ गई, हर चीज़ मैंने अपने लिए ली. और ये भी लाइक वो बोल रहे थे कि 200 के हैं एंड आई थिंक ज़्यादा ही बता रहे थे, क्योंकि वो ऐसे हम किसी ब्रांड का नहीं है, ऐसे ही लोकल इयररिंग्स हैं. बड़ी मुश्किल से 150 के मैं माने, और तब भी ये लेने पता नहीं मम्मियों को क्यों होता है कि नहीं तुम ले लो, मैं तो नहीं ले रही, मैं तो देख लूँगी बाद में ले लेंगे. हर जगह वो छान रही थी कि उन्हें कोई गोल्डन इयररिंग्स मिल जाए प्यारे से, और मिले तो वो छोड़ के आ रही थी. आई वाज लाइक नो यू गोना गेट दिस एंड फाइनली मुझे 150 मिले. दीज आर सो क्यूट. और आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे. नहीं अभी वी आर नॉट डन. मैंने वो क्लिप सारी अटैच कर देनी है एंड देन आई विल बी बैक. हाँ तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर बहुत क्यूट स्टेशनरी है. लुक एट द डायरी, नोट पैड एंड ये छोटे छोटे जो सेट्स ऐसे बने हुए ना स्टेशनरी के, बहुत सारे थे एंड बहुत क्यूट. और यहाँ छोटे छोटे लाइक बहुत क्यूट से पेन्स भी, आई डोंट नो ये वर्क कैसे करते हैं बट हैं. एंड द सॉफ्ट टॉयज वर ऑल्सो सो क्यूट. एंड लाइक ये जो ऊपर वाला है ना, ये पिंक वाला, हाँ ये मेरा फेवरेट है यहाँ पूरे DIY में स्टफ्ड टॉय. और मैं ले लेती बट मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टफ्ड टॉयज हैं, इसीलिए लाइक मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया. एंड यहाँ पर डेकोर का भी काफ़ी सारा सामान है एंड स्टिकर्स की तो इतनी अच्छी वैरायटी है. लाइक अगर आप जर्नल करते हो, आपको चीज़ें कहीं लेबल करनी है, तो उसके लिए भी, यहाँ लेबल के लिए भी स्टिकर्स हैं एंड बटरफ्लाई वाले, इतनी सारी वैरायटी. थोड़े एक्सपेंसिव हैं, मतलब स्टिकर्स आइट सही है, स्टिकर्स यहाँ पर एक्सपेंसिव हैं, बट बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में आपको देखने को मिल जाएंगे. एंड देयर आर सच क्यूट किट्स एंड पाउचेस टू. अगर आप कॉलेज में भी हो, डोंट केयर कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, नो यू आर नेवर टू ओल्ड टू यूज़ क्यूट स्टेशनरी. और यहाँ पर ऐसी क्यूट क्यूट छोटी छोटी डायरीज भी थी, पॉकेट डायरीज, जो आप हमेशा लाइक अब वो कैप के लिए या फिर इन सब के लिए आप यूज़ कर सकते हो. एंड यहाँ पर ये इसे देखकर तो मुझे अपने बचपन की मेमोरी याद आ गई. इतना मैंने ऐसी पेंसिल्स को यूज़ करा है. एंड लाइक किसी की बर्थडे है, आपको उनका रूम डेकोर करना है, तो यहाँ पर यानी फिर से हम स्टिकर्स पे आ गए. यहाँ पर इतने सारे क्यूट स्टिकर्स एंड इतनी क्यूट क्यूट नोटबुक्स थी यहाँ पर. आई वॉज लाइक मुझे तो ये चाहिए, पर मैंने फिर खुद को कंट्रोल कर नहीं लिया. ये वाली मेरी पर्सनल फेवरेट थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बुकमार्क टाइप्स लगा होता है, अलग अलग कार्टून्स बने हुए थे हर बुकमार्क पे, तो ये भी बहुत क्यूट थी. बाकी यहाँ पर लेके जो पिगी बैंक होते हैं वो भी थे, काफ़ी पेन स्टैंड्स वगैरह और ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे. यहाँ पर स्लीपिंग मास्क भी हैं एंड जो स्टोरेज के लिए, मतलब अब शैम्पू कंडीशनर एंड फेस वॉश, ये सब चीज़ें ट्रैवल के लिए जो यूज़ होती हैं वो भी थी.
फेशियल रेजर्स, छोटे छोटे से मिरर्स, मिरर्स भी बहुत सारे थे वहाँ पर, की चेन्स, आई लैशेस, फुट स्क्रब्स, ब्लेंडर्स, इतना सारी लाइक ब्यूटी के सामान में भी बहुत सारी वैरायटी थी। ये शार्क ऐप, इसमें पिंक कलर की मेरे पास भी है, 50 रुपीज़ क्यों दिखा रहा है, मैं तो कम की ली थी, आई डोंट नो व्हाट्स द सीन विद इट नाउ, बट मैंने सस्ती ली थी। एंड वहाँ पर मुझे एक छोटी सी बॉटल पसंद आ गई, मैं ले लेती, बट इस पर इतने ज़्यादा गंदे स्क्रैचेस थे तो मैं छोड़ दिया। ये मुझे पता नहीं क्या चीज़ें हैं, बट ये कुछ ब्यूटी से ही रिलेटेड चीज़ें हैं, ये पूरा सेक्शन वैसा ही है। और यहाँ पर कॉन्टोर ब्रशेस भी हैं, छोटे छोटे सीजर भी हैं, एंड ज्वेलरी भी बहुत ही। पर्सनली डोंट लाइक वेयर अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, मैं काफ़ी मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, बट यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए और आप खुद लाइक कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है, बहुत वैरायटी थी ज्वेलरी की। एंड हेयर बैंड्स, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन हेड बैंड्स, इतने प्यारे, इतने क्यूट, ये तो लाइक काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश हो गया था मेरे लिए, तो मैंने अभी ऐसे कुछ लिया नहीं था, कोई हेड बैंड मैंने नहीं लिया इसलिए। बट ये ऐसे ही जो पिंक वाला देख रहे हो ना, ये जो ऐसे टाइप के हेड बैंड्स हैं, आई लव्ड दोस, बहुत ह्यूज हेयर बैंड कलेक्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसे ट्विस्टेड वाले हेयर इलास्टिक्स भी बहुत सारे हैं, स्क्रंचीज भी बहुत सारी हैं, की चेन्स भी, लाइक हर चीज़ें बहुत सारी है यहाँ पर अगेन। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, पैडल ब्रशेस का भी एक पूरा सेक्शन बना रखा है, इनमें से ही एक जो है वो मेरे पास है, हाँ ये 180, आई वॉज राइट, 179 का था उस टाइम पे, हाँ मैंने 179 का ही लिया था, ये 180 का है, आई डोंट नो। तो बहुत यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें थी ऐसी, ये आई डोंट नो वाई मैं चप्पल दिखा रही हूँ, पर हाँ चप्पल भी हैं यहाँ पर, हैट्स भी हैं। और अगर आपको लाइक अगर घर के लिए अपने मिरर चेंज करना है, तो यहाँ पर लाइक बड़े लेंथ के भी मिरर हैं, और फिर से ये कैप्स, और यह जो पॉपुलर से वॉश बैग्स होते हैं उस टाइप के पाउचेस भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। बेड्स भी हैं, गोल्ड मिरर्स मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आते हैं। एंड और छोटे, जैसे कि मैंने आपको बहुत छोटा टोर दिखाया, हाँ ये रहा, ये मैंने बताया नहीं था, पहले 3 थे, फिर जब मैं शूट करने गई तो सिर्फ 2 बचे थे, मेरे उठाने के बाद 3 थे, और वो भी वाइट वाले, टोटल 5 थे, और इतने कम हो गए देखो। एंड ये जो पॉपकॉर्न बैग काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, उस टाइप की भी चीज़ें यहाँ पर थी। और इससे बड़े टोट्स भी हैं यहाँ पर, ऊपर देख लो, और ये इतना क्यूट सा किटी वाला बैग भी है, अगर मैं बच्ची होती ना तो मैं पक्का इसको ले लेती। और उसके पीछे अगेन कुछ और बैग्स, थोड़ी और ज्वेलरी, और ये लाइक होम डेकोर, यहीं से तो अभी मैं होके गई थी यहाँ। और यहाँ पर बॉडी स्क्रब्स, बॉडी लोशंस, रूम फ्रेशनर्स भी थे, एंड इतने सारे लंच बॉक्सेस थे, इतने सारे, मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, बट एंड आई डोंट इवन यूज लंच बॉक्सेस दैट मच, तो मन तो मेरा कर रहा था लेने का, बट मैंने अगेन, आई एम गेटिंग मैच्योर, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं लेती अब, मेरे पास है, मैं उसमें दोबारा क्यों इन्वेस्ट करूँ, राइट। तो यहाँ पर ऐसे हॉट केसेस वगैरह भी थे, यहाँ इस लेन में मैंने बहुत टाइम लगाया था, क्योंकि मैं इतनी देर तो लंच बॉक्स पे बैठी थी। एंड ये जो ग्लास थी बहुत दिखता नहीं है ऐसे, इतनी एस्थेटिक सी रील्स आती हैं ऐसे रोज टाइप के, ऐसे टी डाल के इसमें बन रही होती है, तो वो भी था यहाँ पर, ग्लास फेयर भी बहुत अच्छा था। एंड जितने सारे लंच बॉक्स थे ना, उतनी ही सारी यहाँ पर बॉटल्स भी थी, बहुत ह्यूज बॉटल कलेक्शन है इनके पास, बहुत। एंड इनमें से 2-3 बॉटल्स मैंने ऑलरेडी ली हुई हैं DIY से पहले ही, तो हाँ बॉटल की क्वालिटी भी अच्छी है, एंड प्राइस वाइज भी बॉटल्स मुझे पर्सनली अच्छी लगी। एंड यहाँ पर टम्बलर्स भी हैं क्यूट क्यूट से। हेयर वी आर ऑन द वॉल स्टिकर कलेक्शन, ये वाला स्टिकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बस मेरे काम नहीं आता यहाँ पर, वरना मेरा पूरा पूरा मन था इसको लेने का। ये जो दिख रहा है ये ही वाला मैंने लिया, नहीं ये वाला नहीं लिया, इससे थोड़ा फ्लैट वाला लिया है, हाँ। और ये जो ऐसे बॉर्डर टाइप के है ना, बहुत अच्छे। एंड ये वाला मुझे इतना अच्छा लगा, वाइट कलर का जो वॉल पेपर है, मैंने इसमें पिंक लिया है, तो हाँ वॉलपेपर भी बहुत प्यारे। एंड इधर ये वाला जो वाइट है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो लाइक अगर आपको अपनी वॉल सेट करनी है तो आप यहाँ से लेके कर सकते हो। एंड रग्स भी बहुत क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे रग्स थे, फ्लोर मैट्स थे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तभी मैंने कहा अपनी मम्मी के साथ जाना है यहाँ पर, बहुत, इवन योर मॉम विल एंजॉय वहाँ पर, तो अच्छा है।
उन्हीं के साथ जाओ एंड आपको लाइक थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा किस टाइप की चीज़ें आपके काम आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि जब भी मैं अपनी मम्मी के साथ जाती हूँ ना, मेरी शॉपिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होती है। तो बहुत क्यूट क्यूट यहाँ पर रक्स थे, रक्स का और डोरमैट्स जो भी हैं, इनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था बट द क्वालिटी इज़ ऑल्सो लाइक रियली गुड एंड दिस ह्यूज वन हैज़ माई हार्ट। नेक पिलोस की भी काफ़ी यहाँ पर वेराइटी थी, सो यू कैन ऑल्सो चेक दिस आउट। यहाँ पर लिंट रोलर्स एंड किचन वेयर भी काफ़ी सारा है एंड नेक पिलोज वर ऑल्सो लाइक प्रिटी डिसेंट, बहुत अच्छे तो नहीं बोलूँगी मैं बट दे वर डिसेंट। एंड लेट मी टेल यू, आई हैव मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें दिखाने को, एंड मैं जब दोबारा गई तो आई विल मेक अ बेटर वन ऑन इट। हाँ, सो आई हैव शोन यू एवरीथिंग, जो भी मैंने ऑनेस्टली मैं इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं शाम के टाइम में गई थी एंड बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ पर। मैं जैसे ही वीडियो बना रही थी ना, वहाँ पे लोगों के लोग मुझे ऐसे लुक्स दे रहे थे, लाइक मैं तो बनाऊँगी, बट मम्मी भी बहुत थक चुकी थी क्योंकि हम काफ़ी टाइम से निकले हुए थे। तो आई वाज लाइक ठीक है, रुक देती हूँ। मेरी गलती ये थी कि मुझे पहले से स्टार्ट से ही, जब भी मैं अपने लिए चीज़ें पिक कर रही थी, मैंने वीडियो बनाना में भूल गई क्योंकि मैं इतनी मस्त हो चुकी थी ना वहाँ पर कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी देखना है, मुझे वो भी देखना है, कि मैं वीडियो का भूल गई एंड ऑनेस्टली कुछ ऐसा प्लान करके नहीं गई थी। तो इसलिए मुझे बीच में ध्यान आया, फिर जहाँ जहाँ मुझे लगा कि चीज़ें अच्छी लग रही हैं वहाँ वहाँ पर मैंने बना ली। एंड इफ़ यू हैव पेट्स, वहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन पेट्स के लिए भी है, वहाँ पर पेट्स के सॉक्स वगैरह, फूड वगैरह नहीं होता है बट थोड़ी बहुत एसेसरीज हाँ पेट्स के लिए मिल जाती हैं। सो यस, आई थिंक दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइकड इट एक्चुअली, डू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप कमिंग बैक टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। बाय।